आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष का आगाज हो चुका है और पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को लोगों के द्वारा याद किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुण्य सलिला बैनगंगा सिवनी जिले से उद्गमित है और सिवनी जिले में प्रवाहित होती है। बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर सुबह सवेरे पितरों का तर्पण करते हुए, पितरों को जल देते हुए आप यहाँ श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट पर आचार्यों के द्वारा विभिन्न आचार्य यहाँ आते हैं और अपनी निशुल्क सेवाएं देते हैं। जिन भी श्रद्धालुओं को यहाँ जो भी उन्हें आचार्यों को दान दक्षिणा देनी होती है वे देकर जाते हैं, पर ये आचार्यों का कहना है कि पूरी तरह निशुल्क है और कोई अगर इसमें श्रद्धापूर्वक कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन पितृपक्ष, पितृ अर्थात पता, पितृ को पिता कहा जाता है के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों अर्थात पूर्वजों को जन्म देते हैं तथा उनकी अवसान तिथि मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी देवलोक गमन के उपरांत उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा इदम श्राद्धम अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध होता है। इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। प्रेत और पितर से के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो कुछ अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता ये मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद्र पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है, जिससे हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृपक्ष में जो तर्पण किया जाता है उससे पितृ प्राण स्वयं आप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो यव जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अभ प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से ये चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए इसको पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में अनेक तरह से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जल दिया जाता है, विधि विधान से उनकी पूजन अर्चन किया जाता है। गया जी में भी मुख्य पिंडदान होता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि गया जी में पिंडदान करने के उपरांत जल नहीं दिया जाए, पर बहुत सारे आचार्यों का ये भी मानना है कि गया जी जाने के उपरांत अगर आप चाहें तो आप पिंडदान के उपरांत भी जल दे सकते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृ आपके पृथ्वी के लोक के आसपास आते हैं और इन 15 दिनों में वे आपके द्वारा दी गई चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अगर आप उन्हें जल देते हैं, ग्रास जो अन्न का ग्रास निकाल कर उन्हें रखते हैं तो वे उसमें से कुछ अंश ग्रहण करते हैं। इस तरीके की मान्यताएं बहुत प्रबल मान्यताएं हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुण्य सलिला वैनगंगा सिवनी जिला मुख्यालय सिवनी से दक्षिण में मुंडारा से उद्गमित हैं। वहाँ से वे निकलने के उपरांत मुंडारा से निकलकर बैनगंगा नदी लखनवाड़ा घाट पहुँचती है। लखनवाड़ा घाट का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। नई पीढ़ी को बता दें कि जो टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा था, फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भगवान भास्कर बादलों की ओट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। छोटा पुल नीचे और बड़ा पुल ऊपर और दोनों पुलों के बीच में पीछे दिखाई दे रहा होगा रेलवे का पुल।
हम आपको बता रहे थे कि युवा पीढ़ी को हम ये बात बता दें कि सबसे पहले सिवनी में पानी की सप्लाई, पीने का पानी इसी बैनगंगा घाट से लिया जाता था, बैनगंगा नदी के लखनवाड़ा घाट से लिया जाता था। यहाँ पर एक स्थान बना हुआ था जहाँ से पानी लिफ्ट कर छिंदवाड़ा नाके के फिल्टर पॉइंट ले जाया जाता था, फिल्टर प्लांट से उसके उपरांत साफ करके पानी, और पानी की टंकी इकलौती की पानी की टंकी हुआ करती थी टिग्गा मोहल्ला में, पूरे शहर को वो पानी की टंकी सप्लाई करती थी पानी के। यहाँ देखिए श्राद्ध चालू है और विभिन्न आचार्यों के द्वारा यहाँ श्राद्ध कराया जा रहा है, अलग अलग आचार्य यहाँ पर आते हैं और ये सारे आचार्य यहाँ पर आकर श्राद्ध कर्म कराते हैं। बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट, इस लखनवाड़ा घाट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव यहाँ विराजे हैं और मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजे हैं। बहुत अलौकिक अनुभूति होती है लोगों को, और ये यहाँ पर एक छोटा सा शेड बना हुआ है, इस शेड में आकर लोग यहाँ पर पुण्य कर्म करते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ श्राद्ध के उपरांत अपने वस्त्र यहाँ पर बदलते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक दिनेश राय के द्वारा 2 वर्ष पूर्व घोषणा की गई थी कि महिलाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ बनाया जाएगा, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए श्राद्ध कर्म, या यहाँ पर जब भी महिलाएं आती हैं तो उन महिलाओं के लिए घाट पर कोई ऐसी विशेष व्यवस्था होगी जहाँ वे अपने वस्त्र आदि बदल सकें, पर विडंबना ही कही जाएगी कि अभी तक 2 साल बीतने के बाद भी अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये देखिए ऊपर से ट्रक जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, बैठे हुए यहाँ श्राद्ध कर्म की तैयारियाँ, घाट को धो रहे हैं महाराज लोगों के द्वारा, जो भी निर्देशित किया जाता है आचार्यों के द्वारा वो उनके अनुयायी यहाँ पर करते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं लोग, पितरों को पानी देने के लिए, और बारी बारी से लोग यहाँ पर आते हैं और सुबह लगभग 5:30 बजे से ये कर्म आरंभ हो जाता है और 9:30 बजे तक ये कर्म लगातार जारी रहता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 4 से 5 आचार्य यहाँ होते हैं जो हजारों की तादाद में, वर्तमान में तो सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, जो अपने पितरों को यहाँ पर जल दे रहे हैं, विधि विधान से जल देते हुए यहाँ पर सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे, बारी बारी से जल देते हैं और पूरी एक 7-8-10 लोग घाट पर बैठते हैं और दोनों तरफ घाट के दोनों तरफ लगभग 20 से 25 लोग बैठ जाते हैं और एक आचार्य के द्वारा इन्हें विधि विधान से मंत्रोच्चार से जल दिलवाया जाता है। जल, जौ और चावल हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो पैथी कुशा जो है, कुशा पैथी आपको ले जाना होगा, धोती गमछा जनेऊ, इसके अतिरिक्त लोटा, कांसे का लोटा हो तो सबसे अच्छी बात है, एक प्लेट, कुछ फूल आपको चाहिए होंगे, उसके अलावा काले तिल, जौ, चावल, इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को आप लेकर जाएं और वहाँ आचार्य जो भी हैं आचार्य से आप अनुमति लेकर और वहाँ पर बैठें और अपने पूर्वजों को विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ आप जल यहाँ पर दे सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं सुबह सवेरे और 5:30 बजे से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि लखनवाड़ा घाट पूरा डूबा हुआ था, देवाधिदेव महादेव का मंदिर भी लगभग आधा डूबा हुआ था। यहाँ गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी, किस कदर गंदगी यहाँ पर फैली पसरी दिखाई दे रही है। जो आपको सामने माता बैनगंगा की प्रतिमा दिखाई दे रही थी, ये प्रतिमा भी अभी कुछ दिन पहले पूरी जलमग्न हो चुकी थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।